हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप ग्रीमर्स। तो आज है संडे और आज दिवाली भी है, तो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। टाइम सुबह के 5 बज चुके हैं और राइड का टाइम हो गया है, संडे राइड का। आज आपको एक स्पेशल डेस्टिनेशन पे लेके जा रहे हैं, तो साथ में बने रहिए और कुछ एंजॉय करते हैं आज। तो गाइस, हमारी ग्रीन मशीन रेडी हो गई है। तो आज का है हमारा मोटो व्लॉगिंग सेटअप, देखते हैं कैसा रहता है। सो गाइस, आज का प्लान ये है रैम ब्रेकफास्ट राइड के लिए। कुछ ग्रुप के राइडर्स जो हैं वो NSP पे मिलने वाले हैं और कुछ लोग मीटअप करेंगे फाइनल मीटिंग पॉइंट पे, जो कि है शिवमूर्ति। तो हम अभी निकल रहे हैं NSP के लिए, जहाँ पे 5-6 राइडर मिलेंगे, फिर वहाँ से हम लोग एक साथ निकलेंगे शिवमूर्ति के लिए। मौसम अच्छा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा धूल और मिट्टी है हवा में। आइडियली तो इट्स नॉट अ वेरी गुड वेदर टू राइड, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है हवा में और ऊपर से हल्का हल्की ड्रिजलिंग भी शुरू हो गई है। होपफुली बारिश ना हो, विच आई रियली डोंट लाइक ऑन द राइड डे। आई डोंट नो कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा है कि नहीं, बट इस समय इतना ज़्यादा स्मॉग है सड़कों के ऊपर कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। इट्स सो डस्टी आउट हियर। तो यहाँ से NSP कुछ है अराउंड 10 किलोमीटर्स। मॉर्निंग है, ट्रैफिक नहीं है, तो आइडियली 10-12 मिनट में पहुँच जाएंगे। देखते हैं वहाँ पे कौन आ रखा है, कौन नहीं आ रखा है। गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट मोटो व्लॉग काइंड ऑफ। होपफुली कैमरे का एंगल मैंने टेस्ट तो किया था, बट टेस्टिंग और प्रैक्टिकल में डिफरेंस हो जाता है कभी कभी। अगर बाई चांस सब ऊपर नीचे हो गया हो तो जस्ट बेयर विद मी। क्या हाल है सरकार? थैंक यू सो मच भाई। और बारिश को हर सैटरडे आना होता है क्या? ये तो देखो, हालत देखो, मतलब मरने वाली हालत है। सर क्या हाल है यार, वेदर ठीक करा दो यार, बहुत बुरा हाल है यार। गाइज, आज पहुंच गए हम अपने ब्रेकफास्ट की लोकेशन पे, जो कि है मूसे सरोवर पॉटिको। तो चलते हैं अंदर ब्रेकफास्ट के लिए और दिखाता हूँ अंदर का सीन क्या है।
ये हमारा ग्रुप है भाई। इन लोगों ने बाइक्स बाहर ही खड़ी करवा दी हैं। भाई पूछ लो पहले। तो ये है अंदर का कुछ बफे ब्रेकफास्ट का सीन। ये है सैलेड सेक्शन, मफिन्स, पैनकेक्स, साउथ इंडियन पूरी भाजी। गाइस ये है कुछ आज का ब्रेकफास्ट का सीन, कुछ मफिन्स विद सॉल्टेड वेजेस विद इडली एंड अ स्ट्रॉबेरी शेक।